नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे संगीन वारदात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पलवल के एक गांव का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पुत्र वधू के घर में अकेले देखकर हवास का शिकार बना डाला। जांच अधिकारी एसआई प्रवीण ने बताया कि 30 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व पलवल के गाँव निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पीड़ित के ससुर उस पर गलत नजर रखने लगा। 19 मई को पीड़ित अपने कमरे में अकेली थी, उसी दौरान पीड़ित के ससुर मौका देख कमरे में घुस आया और पीड़ित का रेप किया। पीड़ित ने जब यह बात अपने सास व जेठ को बताई तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और मामले को दबाने की बात कही। पीड़ित ने जब इस बात का विरोध किया तो घर में बंधक बना रखा ताकि वह अपना मुंह ना खोल दे। पीड़ित ने जब यह बात स्वीकार कर ली कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी तो आरोपियों ने उसे मुक्त किया। उसके बाद पीड़ित ने आप बीती शिकायत महिला थाना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित की मेडिकल जाँच करवाई, जहाँ पर दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। सर, कल एक महिला अपनी दरखास्त लेके महिला थाना पलवल आई थी, जिसके दरखास्त के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। उसने आरोप लगाया था अपने ससुर के ऊपर कि मेरे सास ससुर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, और सास और जो जेठ है उसके ऊपर भी उसने आरोप लगाया कि ये लोग इस घटना बारे अगर मैं इनको बताती हूँ तो ये लोग मेरे साथ में मारपीट करते हैं। सर, इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, पीड़िता का मेडिकल करवा दिया, 42 सर्विस करवा दिए गए हैं, और सर आरोपी की गिरफ्तारी के बारे उसे घर में दबिश दी जा रही है। सर, अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।